हाँ बच्चों, अब इनको मल्टीप्लाई करो, करो जरा इनको मल्टीप्लाई। टू पॉइंट फाइव जीरो क्या आना चाहिए बच्चों? यह आएगा 2.50, 2.5 इंटू 1, 2, 3, 4 यह आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 25,000 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो इससे, थ्री थाउजेंड आएगा प्लस ये आएगा 18,000। राइट, फिफ्टीन थाउजेंड ठीक है प्लस, अच्छा ये तो टू से मल्टीप्लाई होना था ना, कुछ गलत कर दिया। हाँ नहीं ठीक है ठीक है ठीक है। ये कितना हो जाएगा बच्चों? 30,000 दिस, टोटल क्या हो जाएगा? 46,000 53,000 ठीक है। ये दोनों बच्चे कहाँ चले गए? तो मार्केट वन से जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो कितना होगा? टोटल रेवेन्यू इन मार्केट्स ठीक है, रेवेन्यू इन मार्केट टू कितना होगा? 53,000 ये आएगा। नमन एंड कार्तिक हो गया आपका ये सम? सर लिख रहा हूँ। और टोटल रेवेन्यू और बोथ मार्केट निकालना हो तो ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे। सेकंड बच्चों, सेकंड पार्ट में यहाँ पर आपको कॉस्ट दी हुई है, तो पहले तो कॉस्ट मैट्रिक्स बनाएंगे और फिर उनका प्राइस ऑफ ईच, ये आप दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालेंगे। राइट, ठीक है। इलेवेंथ क्वेश्चन में क्या करोगे? आपको मैट्रिक्स एक्स फाइंड करनी है एंड आपको एलिमेंट्स दिए हैं 1, 2, 3, एक मैट्रिक्स गिवन है,
फोर फाइव सिक्स सेकेंड मैट्रिक्स गिवन है, माइनस सेवन माइनस एट माइनस नाइन टू फोर सिक्स ये दिया हुआ है, ठीक है। अनिल मैट्रिक्स एक्स किस ऑर्डर की होगी? अनिरुद्ध मैट्रिक्स एक्स किस ऑर्डर की होगी? सर सेकंड एलिमेंट का एम क्या टू टू बाई टू इंटू टू 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 क्या टू बाई टू की क्यों होगी सर? किसी क्वेश्चन याद है मुझे टू बाई टू टू इंटू टू होगा। एक बार ये माइक हटा के बात करो जरा, नॉर्मल स्पीकर पे बात करो जरा, ये माइक हेडफोन हटाओ अपना। सर टू इस टू टू होगा। एक बार हेडफोन हटाओ। सर हेडफोन हटाऊंगा तो और गंदा आवाज आएगा। एक बार दिखाओ तो सही। सर मुझे अब आवाज नहीं आ रही अब। क्या? मुझे अब आपका आवाज नहीं आएगा। आवाज क्यों नहीं आ रही? लैपटॉप की स्पीकर खराब है क्या? कह सकते हो आपकी आवाज तो अच्छी आ रही है यहाँ पर। सब मुझे आपका बहुत कम आ रहा है। अच्छा एक काम करो आप, चलो लगा लो, पर माइक से ज्यादा अच्छी आवाज आ रही थी अभी। हाँ बताओ इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 बाई 2 क्यों होगा? सर सेकंड एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन। नहीं नहीं मल्टीप्लिकेशन सर सेकंड एलिमेंट का m से कुछ सेकंड एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट क्या? सेकंड मैट्रिक्स का जो m उससे सबट्रैक्ट हो जाएगा। किसने बोला ऐसा? मैं टिक नोट्स में ही लिखा था। मैंने तो आपको ये नहीं सिखाया था अनिरुद्ध। अनिरुद्ध मैंने तो ये नहीं सिखाया, आपको पेज क्यों चेंज कर रहे हो? वैसे ही बताओ, एग्जाम में नोटबुक साथ लेके जाओगे क्या? नहीं सर। फिर जब आपने कल ही किया है फिर भी आपकी नजर देखो नोटबुक की तरफ ही है, आपकी नजर कैमरा की तरफ होनी चाहिए। बेटा दो दिन पहले करवाई हुई कल चीज याद नहीं है, फिर एग्जाम तक कैसे याद रहेगी? कार्तिक आप बताओ फर्स्ट मैट्रिक मैट्रिक एक्स का ऑर्डर क्या होगा? सर दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाइड राइट वाले की गुणन से तो राइट वाला 2 बाय 3 है, तो मेरे लेफ्ट वाले को भी ऐसे मिलेगा कि 2 बाय 3 आएगा। इसका ऑर्डर 2 बाय 3 है, ये 2 बाय 3 है और फिर लेफ्ट वाले को 2 2 2 करना पड़ेगा, इससे 2 2 कट जाएगा, फिर 2 बाय 3 बचेगा। इसका ऑर्डर होगा m * n। मान लो x मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, x मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है m * n, ठीक है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई के लिए क्या कंडीशन जरूरी होती है? नमन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या कंडीशन जरूरी होती है? सर याद नहीं। अनिरुद्ध आप बताओ व्हाट इज नेसेसरी कंडीशन फॉर ए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन? तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। बहुत बढ़िया अनिरुद्ध। नहीं सर ऑर्डर तो हमने अभी किया अलग ऑर्डर वाला। सर n of one has to be equals to m of other। भाई एक का है वो दूसरे के बराबर। फर्स्ट के कॉलम सेकंड की रो के बराबर होने चाहिए। फर्स्ट के कॉलम सेकंड की रो के बराबर होने चाहिए। और मल्टीप्लाई होके जो नई मैट्रिक्स आती है उसका ऑर्डर क्या होगा कौन बताएगा? ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होके नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा? नई मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है फर्स्ट के रो और सेकंड के कॉलम और मल्टीप्लाई होके क्या आया है 2 बाई 3 आया है, ये कट हो गया m इज इक्वल टू 2 आ गया। m की वैल्यू भी 2 है n की वैल्यू भी 2 है। हमने m इंटू n इस ऑर्डर का इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिया था। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है m इंटू n यानी कि इसमें दो रो होंगी और दो कॉलम होंगे। m की वैल्यू 2 आई है n की वैल्यू भी 2 है तो इसमें दो रो और दो कॉलम होंगे A B C D like this।
टू ए प्लस में फोर बी, इसको आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से आएगा टू ए प्लस, टू ए प्लस फाइव बी, फिर आगे आएगा थ्री ए प्लस सिक्स बी एंड सो ऑन। सी प्लस फोर डी, इसको आप फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, इसको सेकंड से मल्टीप्लाई किया, टू सी प्लस फाइव डी एंड थ्री सी प्लस सिक्स डी, दिस इज इक्वल टू माइनस सेवन माइनस एट माइनस नाइन, टू फोर सिक्स। ये तो क्या आ गया यहाँ से, ए प्लस फोर बी इज इक्वल टू माइनस सेवन एंड टू ए प्लस फाइव बी इज इक्वल टू माइनस एट, दो इक्वेशंस बन गई। इन इक्वेशंस को यूज करके हम ए बी की वैल्यू निकालेंगे, तो टू ए प्लस एट बी इज इक्वल टू माइनस फोर्टीन एंड टू ए प्लस फाइव बी इज इक्वल टू एट। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके बच्चों आपको ए बी और बी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। सिमिलरली अगर हम इसको यहाँ से कंपेयर करें तो सी प्लस फोर डी इज इक्वल टू टू एंड टू सी प्लस फाइव डी इज इक्वल टू फोर, ये आ गया। इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके आप सी एंड डी फाइंड कर लीजिए, ठीक है। थर्टीन क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों जरा। थर्टीन क्वेश्चन में क्या है अनिरुद्ध, आपने कर लिया थर्टीन क्वेश्चन? नमन, ए मैट्रिक्स yes. ए मैट्रिक्स गिवन है आपको, यस तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, ठीक है। इफ ए इज दिस सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, देन ए स्केयर अगर आई के इक्वल है तो क्या होगा, देखो जरा, ए स्केयर इज इक्वल टू आई, ए स्केयर क्या होगा, अल्फा गामा बीटा माइनस अल्फा इनटू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, आई इज व्हाट, वन जीरो जीरो वन, आई क्या है, वन जीरो जीरो वन, करो जरा मल्टीप्लाई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, दिस अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, इसको आप फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा गामा माइनस गामा अल्फा, एंड इसको यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर and this is equal to what, 1001, right? Corresponding elements को compare करो जरा, क्या आएगा, alpha square plus beta gamma is equal to 1, alpha square plus beta gamma minus 1 is equal to 0, correct? Anil, तो आप अपना ये सम दिखाओ, क्वेश्चन दिखाओ आप अपना। हाँ यही बात है ना, ज्यादा कुछ था ही नहीं, क्या था ही नहीं।
ये क्या किया अनिरुद्ध? अनिरुद्ध फोटो भेजना है इसकी, जरा मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, मेरा स्क्रीन बड़ा नहीं हो रहा, क्या होगा? फोटो भेजो अनिरुद्ध उसका। अब तक बच्चों आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नमन चला गया। If the matrix A is both symmetric and skew-symmetric, matrix A कैसी है, symmetric भी है और skew-symmetric भी है। matrix A is both symmetric and skew-symmetric, matrix A कैसी है, symmetric है, तो A dash किसके equal होगा, A के equal होगा, ठीक है। matrix A symmetric matrix है तो A dash किसके equal होगा, A के equal होगा। और matrix B, matrix A skew-symmetric भी है तो A dash किसके equal होगा, minus A के equal होगा। A dash is equal to A and A dash is equal to minus A. तो यहां से क्या आ गया, A is equal to minus A, A plus A is equal to 0, तो A is equal to 0 और A क्या हो गया, 0. A बच्चों symmetric matrix भी है and skew-symmetric भी है. So A dash A के equal भी होगा, A dash minus A के equal भी होगा. ठीक है, A dash is equal to A, that is A is symmetric. A dash is equal to minus A, that is A is skew symmetric. Right? इनको add कर दिया, 0 आ गया. Add नहीं किया, sorry. A dash is equal, A dash की दो value है, A and minus A. तो दोनों equal होनी चाहिए. So A is equal to minus A. A को left में ले आए, 2A is equal to 0. A, तो यहां से आ गया, matrix A is equal to 0. ठीक है? अनिरुद्ध आपने भेज दिया क्वेश्चन? नहीं सर, भेज रहा हूँ। अब जब मैंने मांगा तो भेजा क्यों नहीं? सर फोन मांगा इसका मतलब या तो आपने पहले क्वेश्चन करा हुआ नहीं था या कुछ भी किया हुआ था, अब जब मैंने मांग लिया तब उसको सही करके भेज रहे हो, क्या बात है अनिरुद्ध, बताओ कुछ कारण है क्या? कैमरा में दिखा, कैमरा में नहीं दिखाई दे रहा ना। 15th क्वेश्चन पे आओ बच्चों। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए डैश इज इक्वल, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, एक स्क्वायर में, अनुरोध कर लो इस क्वेश्चन को साथ साथ 15th को। ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और किस टाइप की मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर ए के इक्वल है। आई प्लस ए होल क्यूब माइनस सेवन ए की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या बोले जा रहे हो अनिरुद्ध? बेटा कोई आवाज नहीं आ रही ढंग से, कुछ सुनाई नहीं दे रहा मुझे। मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं करना, जो किया वो दिखाओ, अगर किया है भाई किया, वो जो किया है वो एक्सप्लेन कर सकता हूँ। क्वेश्चन भेजा आपने, मैंने तो मांगा था, आपने कहाँ भेजा है मुझे? ऐसा आपको कैमरा में दिख नहीं रहा तो क्या? मैंने बोला ना कि मुझे भेज दो, आपने भेजा ही नहीं। तो फोन वहाँ पे चार्ज में भेज देता। ओके करो इस क्वेश्चन को दोबारा करो। ए स्क्वायर हमें ए के इक्वल गिवन है और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, आई प्लस ए होल क्यूब माइनस सेवन ए, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, लिखो इसको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, ये ए प्लस बी का होल क्यूब होता है, राइट। ये इस पे अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस थ्री आई स्क्वायर ए प्लस थ्री ए आई आई इंटू ए स्क्वायर माइनस सेवन ए, राइट। आई क्यूब की वैल्यू क्या होगी, आई प्लस ए क्यूब, ए क्यूब ए स्क्वायर इंटू ए, ए क्यूब क्या है, ए स्क्वायर इंटू ए, लिख सकते हैं इसको। आई स्क्वायर क्या होता है बच्चों, आई स्क्वायर आई के इक्वल होता है। कार्तिक आप लिख क्यों नहीं रहे, ए एज इट इज रहेगा। सर आई स्क्वायर ए के इक्वल्स कैसे हैं, क्या चीज, आई स्क्वायर आई के इक्वल कैसे हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स पावर करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आती है, थ्री ए स्क्वायर
ए स्केयर किसके इक्वल दिया हुआ है, ए के इक्वल दिया हुआ है, माइनस सेवन ए, राइट, आई प्लस बच्चों ए स्केयर इज इक्वल टू ए, तो ए स्केयर की जगह हम ये लिखेंगे इन टू ए प्लस थ्री ए, प्लस थ्री ए माइनस सेवन ए, राइट, तो ये होगा आई प्लस ए इन टू ए स्केयर, ये हो गया बच्चों थ्री थ्री जा सिक्स ए, थ्री प्लस थ्री सिक्स ए माइनस सेवन ए, दिस इज आई प्लस ए स्केयर, ए स्केयर क्या होगा, ए स्केयर को ए लिख सकते हैं, प्लस सिक्स ए माइनस सेवन ए, ये क्या हो गया सेवन ए माइनस सेवन ए, ओनली आई बचा हमारे पास, ठीक है। नमन कहाँ चला गया, ठीक है, यस सर, हम इंटरमेंस कर लो, एग्जांपल 27 देखो जरा, एग्जांपल 27, अनिरुद्ध कहाँ चले गए, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, तो ए डैश किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल, बी डैश किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल, देन शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी कम्यूट, ए बी इज सिमेट्रिक, ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए बी कम्यूट, इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू बी, ये इस क्वेश्चन का मतलब है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स दैट इज ए डैश इज इक्वल टू ए, बी डैश इज इक्वल टू बी, ए एंड बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिए हैं, तो ये कहता है कि ए बी भी सिमेट्रिक होगी इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, अगर ए बी बी ए के इक्वल है, एक मिनट बेटा, ए बी बी ए के इक्वल है तो ये मैट्रिक्स ए इंटू बी मैट्रिक्स कैसी होगी, सिमेट्रिक, और इसका उल्टा अगर ए बी सिमेट्रिक है, ए बी सिमेट्रिक है तो ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा, एंड अगर बी ए इज इक्वल टू ए बी है तो ए बी मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी, ये दिया हुआ है और हमें ये दोनों प्रूव करने होंगे। हाँ कार्तिक, तो अगर हम बी ए को होल ट्रांसपोज करेंगे तो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज मिल जाएगा, और ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, वैसे करना है। एक बार हम ये अज्यूम करके चलेंगे और ये प्रूव करेंगे, दूसरी बार हम ये अज्यूम करके चलेंगे और ये प्रूव करेंगे, ठीक है, देखो जरा, लेट ए बी इज सिमेट्रिक, ए बी कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है, तो ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ए बी अगर सिमेट्रिक है तो ए बी का ट्रांसपोज ए बी के इक्वल ही होना चाहिए, हमने फर्स्ट पार्ट में माना है कि ए बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या अज्यूम किया है कि ए बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए, ए बी के इक्वल, और ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, दिस इज इक्वल टू ए बी, लेकिन क्वेश्चन में हमें दिया है कि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो बी डैश किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल, तो बी डैश की जगह हम क्या लिख दें, बी, ए डैश किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल, दिस इज इक्वल टू ए बी, बी ए इज इक्वल टू ए बी आ गया, और हमें यही तो प्रूव करना था कि अगर ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए बी इज इक्वल टू बी ए हो गया, राइट, नमन समझ आया आपको क्वेश्चन, मैं डिस्कनेक्ट हो गया तो मैंने अभी बीच में ज्वाइन किया, क्वेश्चन ये है कि ए डैश एक सिमेट्रिक, कैमरा ऑन करो, ए डैश एक सिमेट्रिक में एक सिमेट्रिक, मेरा इंटरनेट थोड़ा वीक है, मैं 5 मिनट ऑन कर दूंगा, हम कुछ नहीं छीन रहे जो आप खा रहे हो, नहीं सर खा नहीं रहा, इंटरनेट थोड़ा वीक है, मैं 5 मिनट में ऑन कर दूंगा, कैमरा ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स दी हुई है तो ए डैश ए के इक्वल होगा, बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स दी हुई है तो बी डैश बी के इक्वल होगा, साथ में हमें ये प्रूव करना है कि ए बी सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, ए बी अगर बी ए के इक्वल है तो ए बी सिमेट्रिक होगा, ठीक है, ए बी सिमेट्रिक है तो ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा, ए बी इज इक्वल टू बी ए है तो मैट्रिक्स ए बी सिमेट्रिक होगी, ये प्रूव करना है,
दोनों केस प्रूव करना है हमें। तो पहले पार्ट में हमने अज्यूम किया कि ए बी इज सिमेट्रिक, ए बी हमने सिमेट्रिक अज्यूम किया तो हम प्रूव क्या करेंगे, ए बी इज इक्वल टू बी ए, करेक्ट। तो ए बी सिमेट्रिक है इसको हम अज्यूम करके चले। उसके बाद हमने ए बी का ट्रांसपोज फाइंड किया, और अगर ए बी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो ए बी का ट्रांसपोज ए बी के इक्वल होना चाहिए। लेफ्ट साइड को हमने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज ओपन कर दिया, तो ये हो गया बी डैश इंटू ए डैश, ए बी का होल डैश क्या हो गया, बी डैश इंटू ए डैश। राइट हैंड साइड ए बी पहले से ही थी, बी डैश बी के इक्वल दिया हुआ है इसलिए बी डैश की जगह बी डाल दिया, ए डैश ए के इक्वल दिया हुआ है इसलिए ए डैश की जगह ए डाल दिया। सो बी ए इज इक्वल टू ए बी आ गया, यानी कि वी कैन से ए बी इज इक्वल टू बी ए, ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। सेकेंड पार्ट कैसे करेंगे कार्तिके, अनिरुद्ध आपको समझ आ गया? आप अज्यूम करोगे कि ए बी सिमेट्रिक है, मतलब ए बी सिमेट्रिक है तो ए बी इक्वल्स टू, समझ आ गया? सर मैं ये नहीं सर, आपने क्या आपने इनवर्स बोला था वो कहा, फिर क्या करूं, इनवर्स बोला था वो कर रहा हूं मैं अभी, क्या कर रहे हो, इनवर्स देखो आपको आता है ये सब, तो आपने इनवर्स बोला तो वही करना है। मैंने तो ये भी बोला था कि आप भी समझो इस सम को, कहाँ ध्यान है आपका, सर ये नहीं बोला, मैंने तो ये भी बोला था कि आप भी समझो इस सम को, आपने सुना ही नहीं, स्पेशली बोला था, मुझे पता था आपको ये सम नहीं आता इसलिए स्पेशली बोल रहा है कि आपको भी समझना है ये। अनिरुद्ध आप बिना देखो क्वेश्चन को पढ़ो, पहले क्वेश्चन पढ़ो, दो बार समझा चुका बेटा ये सम, अब तीसरी बार समझाना पड़ेगा आपके लिए, अभी अभी क्लास में एक बार कार्तिक को समझाया फिर नमन आ गया उसको समझाया, अब आपके लिए कौन सा कहाँ पे है, पेज नंबर 98 पे है। सेकंड पार्ट में हम क्या प्रूव करेंगे, कार्तिक के क्या करेंगे सेकंड पार्ट में, कि एक सेकंड अगर ए बी इक्वल टू बी है तो ए बी हमें ए डैश ए के इक्वल दिया हुआ है, बी डैश बी के इक्वल दिया हुआ है, ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिए हैं, यानी कि ए डैश किसके इक्वल है, ए के इक्वल, बी डैश किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, डैश हमें ए दिया है, बी डैश हमें बी दिया हुआ है, ठीक है। ए बी सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो हम एक पार्ट पर प्रूव कर चुके हैं कि ए बी अगर सिमेट्रिक है तो ए बी बी ए के बराबर होगा, अब हम इसका उल्टा प्रूव करेंगे कि ए बी बी ए के बराबर है तो ए बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, हम अज्यूम करके चलते हैं लेट ए बी इज इक्वल टू बी ए, क्या अज्यूम करके चलते हैं, ए बी इज इक्वल टू बी ए, प्रूव क्या करना है हमें, ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक तब होती है जब उसका ट्रांसपोज अपने खुद के इक्वल हो, अनिरुद्ध समझ नहीं रहे अभी भी आप, कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होती है जब उसका ट्रांसपोज अपने खुद के इक्वल हो, तो हम ए बी का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा, ए बी का ट्रांसपोज होगा बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, ठीक है, बी ट्रांसपोज हमें बी के इक्वल दिया है, ए ट्रांसपोज हमें ए ट्रांसपोज हमें ए के इक्वल दिया है, ठीक है। तो ए बी का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, बी ए के इक्वल आ गया, लेकिन क्वेश्चन में हमें दिया है कि बी ए इज इक्वल टू ए बी, इसलिए हम बी ए के जगह क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। सो ए बी का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, ए बी के इक्वल आ गया, इसका मीनिंग क्या हुआ, ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए बी कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। पिछले पार्ट में हमने क्या प्रूव किया था अनिरुद्ध, पिछले पार्ट में हमने ए बी को सिमेट्रिक अज्यूम किया था और ए बी इज इक्वल टू बी ए प्रूव किया था, तो अगर पहला पार्ट दोबारा से करें, लेट ए बी सिमेट्रिक, तो क्या अज्यूम करना पड़ेगा, ए बी सिमेट्रिक, ए बी का ट्रांसपोज फाइंड करो, ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा, ए बी इज अगर सिमेट्रिक है तो ए बी का ट्रांसपोज ए बी के इक्वल होना चाहिए, ए बी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो
तो ए बी का ट्रांसपोज ए बी के इक्वल होना चाहिए। इसको अगर ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज हम ओपन करें तो ये होगा बी डैश इंटू ए डैश, दिस इज इक्वल टू ए बी, बी डैश इज इक्वल टू बी, ए डैश इज इक्वल टू ए, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इज इक्वल टू ए बी। क्या आ गया यहाँ से, ए बी इज इक्वल टू बी ए, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, इतना ही करेंगे बच्चों आज, इस एक्सरसाइज को खत्म कर लोगे मिसलिनियस को। ठीक है, एक बात बताओ, थैंक यू से पहले इधर सुनो बेटा, थैंक यू, तो थैंक यू के लिए आपको भी थैंक यू। यस सर, मुझे एलपीपी फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ इनवर्स इनवर्स और थर्ड ये मैट्रिक्स, इन तीनों का टेस्ट इसी चैप्टर इसी वीक में चाहिए, बताओ कौन से दिन देते हो सर। प्रॉब्लम है सर, मेरा आपने एलपीपी के बाद क्या लिखा है, फर्स्ट एक्सरसाइज सर, मेरा मंडे को यूटीआई मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स पे है, तो मुझे उसका टेस्ट ले सकता हूं मैं, बाकी दो नहीं। क्यों बात, मेरा फोर्थ मई को यूटी है, उसमें एलपीपी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स, आप ऐसी बात कर रहे हो क्या सर, 15 मिनट की एक्सरसाइज है सारी, तो 5 मिनट कैसे नहीं सर, मेरा एग्जाम तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स का है। अरे बेटे ये 15 मिनट की तैयारी करने का टाइम नहीं मिलेगा आपको सर, 15 मिनट दोनों एक्सरसाइज, बट ठीक है सर, बट आप फिर आपको डिटरमिनेंट डालना पड़ेगा, आधा घंटा भी इसमें लगा दोगे तो ये रिवाइज हो जाएगा एलपीपी में फर्स्ट एक्सरसाइज, फिर सर आप डिटरमिनेंट्स भी डाल दो क्योंकि मेरा मंडे को एग्जाम है डिटरमिनेंट्स का, आपके में डाल देंगे सर, मेरे में डाल देंगे सर, मेरा फोर्थ मई को यूटी है, उसमें एलपीपी मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स सर। हां तो आ रहे हैं ना सारे, यस सर, डिटरमिनेंट्स भी है, डिटरमिनेंट्स कर लेंगे तब तक, ये मुझे डाल और डिटरमिनेंट्स डाल सर। बच्चों मैं फ्राइडे सैटरडे या संडे में से किसी एक दिन टेस्ट लूंगा अपना, फ्राइडे से पहले पहले ही तैयार कर लूंगा सर, फ्राइडे को ट्यूशन होती है एक दिन, हम बताए सर आप सैटरडे को, इसीलिए मैंने ऐसे करके बोला है ना कि कौन सा डे सेट होगा वो मैं करवा कर दूंगा, पर आप अपने सैटरडे ले लो, सैटरडे ले लो सर, कर लेंगे डिसाइड, यस सर कर लेंगे डिसाइड, पर आप ये मानो कि आपको ये फ्राइडे तक तैयार करके रखना है ताकि मैं फ्राइडे सैटरडे संडे में से किसी दिन टेस्ट ले लूं, थर्सडे को हम डे डिसाइड, ठीक है, ठीक है सर। और इस बार टेस्ट ऑफलाइन होगा, तैयारी ढंग से कर लेना,